आज मैं रिएक्ट करने वाला मिस्टर बीट्स की वीडियो पे, जो वीडियो का थंबनेल है ये। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर देना। सभी टैंक्स लिटरली मिसाइल्स की बारिश करने वाले हैं इन $5 लाख पर, और जो भी पैसे इनमें से बच जाएंगे वो मैं दूंगा ब्लेक को। तुम्हारा नसीब अच्छा है, मैं तुम्हें दूंगा मेरा क्रेडिट कार्ड। तुम चाहे जितने पैसे खर्च करके इन पैसों को बचा सकते हो उन सभी मिसाइल से जो हम इन पैसों पर दागने वाले हैं। यानी मैं यहाँ कुछ भी बना सकता हूँ, जो भी तुम चाहो, पर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और टैंक्स शुरू हो जाएंगे। ओ, मुझे बेटर चाहिए। चलो चलो बॉयज, वो दौड़ रहा है, हम दौड़ कर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ब्लेक, हम पहले कहाँ जाएंगे? पहले जंकयार्ड जाएंगे। पहले 3 घंटों में ब्लेक ने पैसों को बचाने के लिए जितना मिले उतना मेटल ढूंढने की कोशिश की। लगता है कि इसके पास मेटल मिल जाएगा, चाहे इसके लिए $30,000 क्यों ना देने पड़े। मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए और सारे ट्रक। तो तुम्हें यहाँ की सभी कार्स चाहिए? हाँ। क्या मुझे वो शिपिंग कंटेनर्स दे सकते हो? तो वहाँ चलते हैं। ये बढ़िया है, मेरे पैसों के ऊपर रखने से काम बन जाएगा। एक पूरा स्टोर खरीदना काफी नहीं था, तो ब्लेक ने और दूसरे इंडस्ट्रियल स्टोर्स के साथ भी पैसा ही किया। आज मैं आपसे जो कुछ भी लूंगा वो सब मुझे 12 घंटों में चाहिए। 12 घंटे? मैं डबल देने को तैयार हूँ। ठीक है, मिल जाएगा। ये मेरे पैसे फटाफट खर्च कर रहा है। $15,000 और सामान डिलीवर होने का इंतजार करते करते हम वापस पैसों के पास चले गए, और वहाँ ब्लेक ने अपना प्लान बताया। तुमने 1 घंटे में अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है, तो अब क्या करने वाले हो टैंक्स से अपने पैसों को बचाने के लिए? Step 1, मैं शिपिंग कंटेनर को उन पैसों के ऊपर रखूंगा। ये सच में अच्छा आइडिया। Step 2, विशाल वाटर टैंक। तुम्हें लगता है अच्छा होगा? अच्छा तो होगा, पर सबसे बढ़िया नहीं। Step 3, ये कंटेनर्स भरे हुए होंगे ईंटे, घास और लकड़ियों से। Step 4 है मेरा बेस्ट डिफेंस, खास तरह से रखी हुई कार्स का एक किला। और आखिरी वीडियो की तरह इस बार भी गोलियां कार से टकरा कर तितर बितर हो जाए। जो आप देख रहे हैं, अगर इसने ये सब कर लिया तो मुझे सच में बहुत हैरानी होगी। चलो काम पर चले। पर ब्लेक की बदकिस्मती ये है कि अगले 4 घंटों तक उसके मटेरियल्स की डिलीवरी नहीं हो पाई, तो काम पूरा करने के लिए उसने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया। मैं किला बनाने वाला हूँ, अगर इसमें एटॉमिक बॉम्ब भी गिर जाएगा तो भी पैसों को कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन साइट जैसा है। शुरू में देखकर लग रहा था कि ब्लेक अपने पैसों को जरूर बचा लेगा, पर अगर वो 5 लाख इन टैंक्स से बच भी जाते हैं, फिर भी टैंक सिर्फ उन 4 अटैच फीसेस में से एक है जिनसे ब्लेक को बच के रहना होगा। और भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत चुनौती भरे होंगे। पूरी रात ब्लेक और उसके क्रू ने पैसों को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की, पर सूरज उगने तक भी उनका काम पूरा नहीं हुआ। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। पैसे और टैंक्स वहाँ पर है, पर ये कार यहाँ पर कैसे? मैंने पीछे मेरी इन्वेंटरी रखी है। डूड, अपनी इन्वेंटरी को पैसों और टैंक के बीच में रखो। बस 10 मिनट और वो व्हाइट कार वहाँ पर। बस 5 मिनट है। और कुछ करने के लिए मेरे पास और वक्त नहीं है। वक्त खत्म हुआ। रुको, वक्त खत्म हुआ, उसे नीचे रखो, बहुत दूर चले जाओ। ब्लेक, तुम्हारा वक्त ऑफिशियली खत्म हुआ है। बस तो लग रहा है। चलो टैंक्स फायर करते हैं। मैं पिछले पूरे 25 घंटों से बिना सोए लगातार इसे बना रहा हूँ, और अब ये बढ़िया लग रहा है। लेकिन जब उठकर मैंने 5 बीस्ट को देखा और फिर मेरी नजर इन शेल्स के ऊपर गई, सोचा नहीं था कि इतने बड़े होंगे। तुम्हें लगता है शिपिंग कंटेनर्स इन्हें रोक पाएंगे? उम्मीद है टीम रोक देंगे। ओह गॉश, ठीक है, वक्त हो गया, टैंक्स लोड करो। ठीक है, ये 5 टैंक्स पैसों पर निशाना लगाकर 20 राउंड फायर करने वाले हैं। ब्लेक, पहला शॉट फायर करो। वाव, बाकी अमेजिंग था। माय गॉश, उसका चेहरा तो देखो, ब्लेक का चेहरा देखो, समझो इसके पैसे तो गए। अब बस 19 बचे हैं ना? अब बस 19 बचे हैं। चैंडलर फायर। वाव, इस सारे पैसे को इनको बर्बाद करना है, उसको बचाना है। जैसे कोई बचता है या बर्बाद हो जाता है। इसमें बहुत मजा आ रहा है। Oh my God, यहाँ से देखे तो उस कंटेनर में 8 चीज दिख रहे हैं। हाँ, वो मुझे भी दिख रहे हैं। हो ही नहीं सकता पैसे सेफ होंगे। मैं पूछता कि तुम्हें कैसा लग रहा है, पर पहले बाकी शॉट्स फायर कर लेते हैं। चलो इसे खत्म करते हैं। 5 शॉट्स, 4 शॉट्स बचे हैं, 3 शॉट्स बचे हैं। वहाँ पीछे अभी 3 शॉट बचे हुए हैं, 2 शॉट और बचे हुए हैं। 2 बचे हैं। ब्लेक, आखिरी शॉट तुम्हें फायर करना होगा। हाँ, बहुत खुशी है। इसके बाद देखते हैं तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं। वाओ, लास्ट शॉट खत्म हो गया। ओ, वो दौड़ रहा है। और ये सब देखने वाले के पैसे बचे हुए कि खत्म हो गए? ये बच गए। वाओ, ये लोग तो फर्स्ट फेज से बच चुके हैं। सलामत है, पता है तुम खुश हो, पर अब वक्त है दूसरे फेज। सेकंड फेज। 24 घंटों में हम इन पैसों के इर्द गिर्द इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाले हैं जो कि हमारे चैनल के इतिहास में कभी नहीं फोड़ा गया है। तुम उसे गिराने वाले हो या शूट करने वाले? मुझे अच्छा किया, बस अभी आया।
प्लेग, क्या लगता है इन हरी क्रेच में क्या है? मैं नहीं जानता, पर लगता है कि ठीक है, मैं बताता हूँ। इन 100 क्रेच के अंदर ऊपर से नीचे तक TNT भरा है। तुम्हें इसकी इजाजत कैसे मिलती है? पता नहीं ये लीगल है या नहीं। और जब तक हम यूट्यूब के इतिहास के सबसे बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे, ब्लेक अपने पैसों को सेफ रखने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा था। स्टेप 1, हमें यहाँ से सभी जलने वाली चीजों को बाहर करना होगा, सभी लकड़ियाँ फेंकनी होगी। स्टेप 2, वाटर टैंक। स्टेप 3, मेरे पास जो कंटेनर्स हैं उन्हें खिसकाना होगा और पैसे वाले कंटेनर के अगल बगल में रखना होगा। ये दिमाग तो काफी अच्छा लगा रहा है। जरूरत पड़े तो कार से धमाका टैंक वाले से बहुत बड़ा होगा, उस सेफ को उड़ाने वाले से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करना। उस सेफ के अंदर की हर एक चीज तबाह हो गई थी। इससे पहले भी ये इस वीडियो में $2.5 लाख हारा था, फिर से वैसा ही करोगे? नहीं। और क्योंकि यहाँ तक आते आते ब्लेक पूरे 24 घंटों तक नहीं सोया था, तो काम पूरा करने के लिए उसने वर्कर्स पर भरोसा किया और सोने के लिए चला गया। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट दोस्तों, मैं हूँ ब्लेक, गुड नाइट ऑल। और क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, तो हमने जितना सोचा था वो उससे ज्यादा ही सो गया। कल मेरी नींद अच्छे से हुई है, देखने जा रहा हूँ कि रात भर में कितनी प्रोग्रेस हुई है। आधा खाली, इसका मतलब मेरे जाने के बाद कोई भी काम नहीं। वर्कर्स ने काम तो नहीं किया इनके जाने के बाद में, बट देखते हैं क्या होता है। वीक स्पॉट्स को मजबूत करने के लिए स्पेयर पार्ट्स, ब्रेक्स और कार से ढकने की कोशिश की। अब ये बढ़िया है, सब सही है। हेलो मिस्टर जिमी, मैं क्या देखने वाला हूँ? यहाँ से सुनोगे तो बीपी की आवाज आएगी, जो कि एक स्कूल बस की आवाज है, जो सीधे तुम जहाँ खड़े हो वहाँ आकर गिरी। उम्मीद है उसमें बच्चे भरे नहीं होंगे। वो बस छोटी है। मैंने वो तो नहीं पूछा था। ये है हमारे ब्रांड न्यू फेस्टिवल बार्स, नया फ्लेवर। ये मिस्टर विस्ट का फेस्टिवल बार है चॉकलेट, जो डायरी में कई गुना ज्यादा अच्छा है, बट महंगा भी है। ये सभी चॉकलेट से बहुत बेहतर है बाकी सभी से। मेरा दावा है, क्या कोई चॉकलेट खाना चाहता है? पाँच मिनट फिर, मुझे बस 10 मिनट चाहिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। 4 मिनट बचे हैं। ब्रो तुम उन पर पानी डाल रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वो खुश नहीं लग रहे, वो कार से नीचे उतर रहे हैं। अब बस 90 सेकंड्स बचे हैं। ले, बस खत्म हो रहा है। चलो चलो, कम ऑन। गाइस, अभी तक आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर जल्द से वॉच कर ले, ठीक है? चलो बंकर की ओर चलते हैं। तुम टैंक से बस बाल बाल ही बचे हो, देखते हैं फिर कर पाते हो या नहीं। थोड़ा सूरज ढलने दो। अब 5 सेकंड होने वाला स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट होगा 5 सेकंड। आज तक नहीं उड़ाया है। मैं पहली बार एक बॉम्ब को देखूंगा। ब्लेक, क्या तुम नर्वस हो? हाँ, मुझे पसीने आ रहे हैं। ये है डेटोनेशन डिवाइस, ये लो। ये ऑन है? हाँ ये ऑन है। 2 दिनों की मेहनत, पूरी 17 कार्स, 6 वाटर टैंक्स, 4 शिपिंग कंटेनर्स और पूरे $5 लाख दाव पर लगे हैं। $5 लाख को आप 83 रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो INR में। वाह, देख सकते हैं कितना बड़ा धमाका हुआ है यहाँ पे। उसे बुझाने जाने से पहले मैं बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ आग अब भी चल रही है, ब्लेक ये सैंड बैग हटा रहा है, ये ठीक होना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? अब देख सकते हो कि $5 लाख इसने बचा लिया अभी सेकंड फेज में, लेकिन अभी भी थर्ड फेज बचा हुआ है इसका। ठीक है ब्लेक, अब अगले चैलेंज में हम पेट्रोल से भरी हुई चलती हुई कार्स को तुम्हारे पैसों पर फेंकने वाले हैं। तुम बता सकते हो कितनी कार? बहुत सारी। अब तक का सबसे मुश्किल फेज होने वाला है। ब्लेक को सिर्फ ऊपर से आने वाले हमले से नहीं बचना है, बल्कि उसे उस फ्लेमेबल पेट्रोल से भी अपने पैसों को बचाना होगा, जो डिफेंस की। अब देख सकते हैं मिस्टर बीस्ट यहाँ पे कितने ज्यादा पैसों को जलाने की बात कर रहा है। एक चैलेंज है। मैं चाहता हूँ पैसों से भरी जो क्रेट है उस कंटेनर में कंक्रीट भरा जाए।
और यहाँ पर जो कंटेनर है इसे उसके ऊपर रखा जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ब्लेक बहुत मेहनत कर रहा था, इसीलिए आखिर में वो सोने चला गया और ज्यादातर काम अगले दिन के लिए छोड़ गया। और भले ही वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, पर जल्द ही ये चैलेंज खुद को इतना मुश्किल साबित करने वाला था जो उसने कभी ऐसी वीडियोस में नहीं देखा होगा। चौथा दिन है, मुझे ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है और अब हम वो शिपिंग कंटेनर लेने वाले हैं और उसे उठाकर हम एक पॉइंट पर ठीक फॉर्मेशन में रख देंगे, एक पिरामिड की तरह अगला हिस्सा सामने, ताकि कार्स टकरा कर नीचे गिर जाए। हमें जल्द से जल्द उस कंटेनर को वहाँ ऊपर रखना होगा। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अगले कुछ घंटों तक कार्स को दूर भेजने के लिए ब्लेक ने उस कंटेनर को एक एंगल पर थर्ड पेज स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी है, उन्हें उछालने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल किया। अगर वो कंटेनर जहाँ मैं चाहता हूँ अभी वहाँ पर नहीं रखा गया तो शायद से मैं बहुत पैसे, अभी 7 मिनट बचे हुए हैं। हमने कर दिखाया, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उन वाटर टैंक्स को ठीक यहाँ पर लाना होगा। हाँ, उन्हें ईंटों से भर दो और अब उस आखिरी वाली कार को ले आओ, उसे यहाँ पर रख दो, वो यहाँ ब्लॉक कर देगी, फिर ये बढ़िया लगेगा, हमारा प्लान कामयाब होगा। पर ब्लेक ये नहीं चाहता था कि मैं एक ट्विस्ट लाने वाला था। जानना चाहोगे कि ट्विस्ट क्या है? हाँ, पीछे वहाँ वो फ्लैग देख रहे हो, वो एक गुलेल है। जैसे ही कार ऊपर से गिरेगी तब बगल से आग के विशाल गोले दागे जाएंगे। मैं सोच ही रहा था पर लगा नहीं था कि वो एक गुलेल होगी। मेरे पास और सामान नहीं है, अब क्या इस्तेमाल करूँ? आखिरी कुछ घंटों में ब्लेक हड़बड़ी में किले के पीक स्पॉट्स ढकने लगा, पर फिर भी अभी एक चीज मिसिंग थी। उसका वाटर ट्रक जिसे सुबह रिफिल के लिए भेजा था उसने आने में बहुत देर कर दी। बस 90 सेकंड बचे हैं। ठीक है, वो आ गया। हमेशा की तरह ये भी ब्लेक को एकदम टाइम पर मिला। 60, 59, 58, 54। कार को ड्रॉप करने से पहले ये सब कुछ गीला कर रहा है ताकि ये पैसों को उस आग से बचा सके। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। तुम्हें सच में लगता है 30 सेकंड बचे हुए हैं? ओ हाँ, बेशक। 3, 2, 1, 2। इसके लिए मैं तुम पर आखिरी चैलेंज में तरस नहीं खाऊंगा। तुम्हें पता था ऐसा जानबूझ कर किया? ओ नहीं, वो पल आ गया। देखो वो कार कितनी ऊंचाई पर है। ये बस उन 5 जलती कार्स में से पहली कार है जिन्हें हम नीचे फेंकने वाले हैं, और उनके ऊपर से गुलेल से 5 विशाल आग के गोले तैयार हो गए। जल्दी से शुरू करो, उसे चलाया जाए। अब नीचे फेंको। ओ माय गॉड, वाह। अभी हर एक चीज आग से झुलस रही है। इसका पहला कार है जो ऊपर से नीचे गिराया गया है। उन्होंने जल्द ही आग पकड़ ली। डूड, ये क्या हो रहा है?